गुड मॉर्निंग गर्ल्स आशा करती हूँ आप सब पहले के लेक्चर्स को अटेंड किए हैं एंड यू आर ऑल हेल्दी हैप्पी फिट एंड फाइन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आज हम लोग रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत करेंगे इट इज ऑल्सो नोन एज द कम्पेरेटिव कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इसे तुलनात्मक तो लागत सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि रिकार्डो ने दो देशों के लागतों में तुलनात्मक तो अंतरों को स्पष्ट करते हुए बताया कि किस तरह से दोनों देश व्यापार से लाभ उठा सकते हैं और तुलनात्मक तो लागत के आधार पर ही व्यापार संभव होता है आइए इस थ्योरी को हम लोग समझते हैं एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत की अपूर्णता से संतुष्ट होकर डेविड रिकार्डो ने तुलनात्मक लागत सिद्धांत अथवा इसे हम कह सकते हैं तुलनात्मक लाभ सिद्धांत प्रतिपादित किया है रिकार्डो वॉज नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद द थ्योरी दैट वॉज प्रेजेंटेड बाई एडम स्मिथ एंड दे बायपाउंड हिज ओन थ्योरी एंड प्रेजेंटेड टू अस द टिव कॉस्ट थ्योरी विच इज ऑल्सो नोन एज कम्पेरेटिव प्रॉफिट और कम्पेरेटिव एडवांटेज थ्योरी एडम स्मिथ यह मानते थे कि देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार तभी लाभप्रद हो सकता है जब दोनों देशों को एक एक वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त हो किन्तु यदि एक देश किसी भी वस्तु के उत्पादन में लागत लाभ नहीं रखता तब अंतरराष्ट्रीय व्यापार संभव नहीं होता है सो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ कंट्री हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोडक्शन इनकेस ऑफ इट कॉस्ट कंडीशन इंटरनेशनल ट्रेड विल नॉट है इस प्रश्न का उत्तर एडम स्मिथ का निरपेक्ष लागत सिद्धांत देने में असफल रहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार उस स्थिति में कैसे होगा जब कोई एक देश किसी एक वस्तु के उत्पादन में लाभ या निरपेक्ष लाभ प्राप्त नहीं करता है बट एडम स्मिथ फेल्ड टू आंसर द क्वेश्चन दैट हाउ कुड इंटरनेशनल ट्रेड अकर और हैपन बिटवीन टू कंट्रीज वेन ईच ऑफ द कंट्री डज नॉट हैव द कंडीशन ऑफ गेनिंग और हैविंग एब्सोल्यूट एडवांटेज ओवर द प्रोडक्शन ऑफ एटलीस्ट वन प्रोडक्ट इसी कमी को दूर करने के लिए डेविड रिकार्डो ने अपना तुलनात्मक लागत सिद्धांत प्रस्तुत किया टू क्वेश्चन दिस आई एम टू टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन एज़ एन आंसर टू दिस क्वेश्चन डेविड रिकार्डो केम अप विद हिज ओन थ्योरी दैट इज थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत श्रम के मूल्य सिद्धांत पर आधारित सो बेसिकली रिकॉर्डियन थियोरी ऑफ कंपेरेटिव कॉस्ट इज बेस्ड ऑन द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू जिस तरह से एक व्यक्ति व्यापार में या उत्पादन में किसी एक प्रोसेस या किसी एक वस्तु पर विशिष्टीकरण प्राप्त करता है उसी तरह से एक देश भी किसी एक उत्पादन प्रक्रिया या एक वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त कर सकता है और इस विशिष्टीकरण के पीछे उसको लाभ भी प्राप्त होते हैं देश वही उत, आ, उत्पादन करता है या वही वस्तुओं का उत्पादन पर बल डालता है जिसमें उसे लाभ प्राप्त हो या जिसके उत्पादन के लिए उसके पास बेहतरीन उपाय या साधन उपलब्ध हो अ कंट्री में प्रोड्यूस मैनी थिंग्स एट अ टाइम बट

कुछ वस्तुओं का उत्पादन करता है फॉर एग्ज़ाम्पल जर्मनी जो है वो मशीनरी और इंजीनियरिंग गुड्स पे अपना विशिष्टीकरण करता है क्योंकि उसमें उसको लाभ है उनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी उच्च होती है बाकी देशों की तुलना में जर् जर्मनी और जापान की जब हम बात करते हैं अगर ये दोनों देश अपने तुलनात्मक लाभ के अनुसार उत्पादन करते हैं तो वो सबसे कम लागत पर उत्पादन कर सकते हैं और उन्हीं वस्तुओं को वो बाहरी देशों को या बाकी विश्व के अन्य देशों को बेचकर वो प्रॉफिट्स या लाभ कमा पाते हैं लेकिन अगर वो इन चीज़ों का उत्पादन नहीं करके जैसे मशीनरी और इंजीनियरिंग गुड्स को इस्तेमाल नहीं आ, उत्पादन नहीं करके दूसरे वस्तुओं को उत्पादन करते हैं जैसे कि चाय कॉफ़ी या आ, वीट इन सब के उत्पादन की कोशिश करते हैं तो उसमें उनकी लागत काफी ऊंची हो जाएगी सो फॉर दीज टू कंट्रीज इट इज मोस्ट प्रॉफिटेबल और बेनिफिशियल फॉर देम टू प्रोड्यूस गुड्स दैट आर रिलेटेड टू मशीनरी एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स और यही तुलनात्मक तो लाभ सिद्धांत का या प्रिंसिपल का बेसिक या आधार है आधारभूत धारणा आप कह सकते हैं

एंड सेकेंडली ईच कंट्री वु स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी इन विच इट हैज कंपेरिटिव एडवांटेज और दूसरा ये बात है कि दोनों देश ऐसे वस्तुओं का उत्पादन करेगा जिनमें उनको तुलनात्मक लाभ प्राप्त होगा दिस कैन बी शोन विद डिफरेंट एग्जाम्पल्स विच वी विल गो ऑन इन द लेटर हाफ ऑफ दिस डिस्कशन एंड लेक्चर पहले आइए हम लोग अजाम्शंस को देखते हैं लेट come डाउन टू दी assumptions, मान्यताओं को देखते हैं कि किन मान्यताओं पर आधारित करके इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है सो लेट इज कम डाउन टू एवरी्शन पहली मान्यता ये है कि इस सिद्धांत को समझने के लिए हम सिर्फ दो देशों को ही मानते हैं या दो देशों को के बीच में अंतरराष्ट्रीय व्यापार की अध्ययन करते हैं तो एक कंट्री है ए जिसको हम ए मानेंगे और दूसरा है बी दोनों कंट्रीज आपस में दो कमोडिटी मान लेते हैं वीट एंड क्लॉथ का लेन देन कर रहे हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं और दोनों ही कंट्रीज में दोनों प्रोडक्ट्स उत्पादन हो रहा है सो बोथ द कंट्रीज आर प्रोड्यूसिंग एंड ट्रेडिंग टू गुड्स एक्स एंड वाई क्लॉथ दोनों वस्तुओं के उत्पादन में दोनों कंट्रीज़ में एक ही इनपुट का प्रयोग किया जा रहा है और वो है लेबर वो है श्रम दूसरा कोई इनपुट को हम इस सिद्धांत के अध्ययन में शामिल नहीं करते हैं दोनों प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन में कांस्टेंट कॉस्ट्स को कंसिडर uh, किया जाता है या माना जाता है इसका अर्थ है कि प्रत्येक देश में प्रत्येक साध प्रत्येक उत्पादन या प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में स्थिर लागतें लागत अनुपात के अंतर्गत ही उत्पादन होती है नेक्स्ट इज देर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट यह सिद्धांत मान के चलती है कि कोई भी परिवहन लागत शामिल नहीं होता है या परिवहन लागतों को हम लोग शून्य मान के चलते हैं लेबर इज कंसिडर्ड टू बी फुल्ली मोबाइल विद इन द कंट्री बट इमोबाइल आउटसाइड द कंट्री जहां तक सवाल है श्रम की गतिशीलता की तो देश के अंदर वह पूर्ण तरह से गतिशील होती है लेकिन दोनों देशों के बीच साधनों की गतिशीलता का पूर्ण अभाव रहता है यानी वो गतिहीन होते हैं जो भी साधन है हम साधन श्रम को ही मान के चलते हैं तो कोई भी श्रम की जो इकाई है वो एक देश में कहीं भी आना जाना कर सकती है किसी भी उत्पादन क्षेत्र में जा सकती है लेकिन जब बात होती है साधनों की एक दूस एक देश से दूसरे देश में जाने की तो उसमें वो पूरी तरह से गतिहीन रहती है सरकारी हस्तक्षेप शून्य होता है अर्थात सरकार के द्वारा आर्थिक क्रियाओं में या कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है दोनों बाजारों में अर्थात उत्पाद बाजार तथा साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति रहती है दिस परफेक्ट कंपटीशन इन बोथ प्रोडक्ट एंड फैक्टर मार्केट्स अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है इन द इकोनमी देर इज अ कंडीशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट अर्थात देश के साधनों को उत्पत, उत्पत्ति में पूर्ण रोजगार प्राप्त होती है सो ऑल द रिसोर्सेज इन द कंट्री आर फुल्ली एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस देश में दोनों देश के बीच वस्तु विनिमय प्रणाली के अनुपात में या अनुसार लेन देन या इंपोर्ट एक्सपोर्ट संभव होता है सो देर इज बातर सिस्टम द टू कंट्रीज फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों देशों में मुक्त व्यापार स्थापित है देर इज फ्री ट्रेड एस्टेब्लिश बिटवीन द टू कंट्रीज तो व्यापार में कोई रोक टोक या कोई व्यवधान नहीं होता है वस्तु विनिमय में स्वतंत्रता पूर्ण स्वतंत्रता रहती है रिकॉर्डो का ये मानना है कि वस्तुओं का मूल्य उसमें निहित श्रम से आका जाता है और वस्तुओं का परस्पर विनिमय उन वस्तुओं के उत्पादन में लगे हुए श्रम के आधार पर ही होता है सो रिकार्डो इज ऑफ द बिलीव दैट द वैल्यू ऑफ द गुड्स डिपेंड्स ऑन द लेबर एम्प्लॉयड इन इट एंड वेन इट कम्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन टू कंट्रीज देन इट इज ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ द लेबर कॉस्ट और द लेबर एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन ऑफ दीज गुड्स जिन वस्तुओं का मूल्य समान होता है उनको बनाने में श्रम की समान मात्रा लगती है सो ऑल द कमोडिटीज दैट हैव सेम वैल्यू रेफर्स टू द फैक्ट दैट सेम अमाउंट ऑफ लेबर हैज़ बीन यूज और एम्प्लॉयड फॉर प्रोड्यूसिंग दैट दोज इसी प्रकार रिकार्डो ने वास्तविक लागत को श्रम के समय के रूप में व्यक्त किया है लेबर so, आर्स दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का मूल्य उसकी श्रम लागत पर निर्भर रहता है सो वर्ड्स वी कैन से that द price और द वैल्यू ऑफ एनी कमोडिटी विल डिपेंड ऑन द लेबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट कमोडिटी रिकार्डो की यह मान्यता है कि देश दो देशों के मूल्य की प्रवृत्ति समान होने की नहीं होती है क्योंकि इन देशों में उत्पत्ति के साधनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गतिशीलता नहीं पाई जाती है जैसा हमने मान्यता में लिया है ऐसी स्थिति में वस्तुओं का आयात और निर्यात किस प्रकार होगा इसी को उन्होंने इस सिद्धांत में स्पष्ट किया है तुलनात्मक तो लागत सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसलिए होता है कि विभिन्न देशों के भिन्न भिन्न वस्तुओं के उत्पादन में अलग अलग लाभ होता है इन विभिन्न लाभों को निर्धारित करने में देश के आर्थिक साधनों का महत्वपूर्ण हाथ होता है जैसे अनुकूल जलवायु अनुकूल भूमि कच्चे माल की पर्याप्त पूर्ति एवं तकनीकी प्रगति के कारण अधिक कार्य कुशल श्रम शक्ति इत्यादि सो अकॉर्डिंग टू रिकार्डो कंपेरेटिव कॉस्ट अराइज बिकॉज एवरी कंट्री और वी कैन सी दैट Different countries have different kinds of conditions in which they produce products. And the advantage of different countries in their field of production also differs. It depends on the various factors available in the country. Every country will differ from one another in terms of climate soil condition raw material availability technological progress and thereby the efficiency of labor etc this difference or these differences bring about comparative comparison in cost and thereby the comparative costs through which they earn their comparative advantage in production over the other। इस सिद्धांत के प्रतिपादक रिकार्डो ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है कि यदि दो व्यक्ति हैं और वो दोनों ही जूता तथा कपड़ा बना सकता है यानी सूट बना सकते हैं तो उनमें एक व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा दोनों ही कार्य को श्रेष्ठता बनाता है तो वह अपने प्रतियोगी से 20 प्रतिशत और जूते बनाने में तैंतीस प्रतिशत अधिक कुशल है तो वो क्या करेगा वो कपड़े बनाने में बीस प्रतिशत सफल ज़्यादा है और जूते बनाने में तैंतीस प्रतिशत ज़्यादा सफल है तो वो दूसरे व्यक्ति से कपड़े बनवाएगा और खुद वो जूता बनाएगा क्योंकि वो तैंतीस प्रतिशत अधिक सफलता प्राप्त करेगा सो देर इज अ अप्रॉक्सिमेशन ऑफ

से सपोज यू एस कैन मेक बोथ कमोडिटीज वीट एंड क्लॉथ मोर एफिशियटली देन इंडिया देन इट विल हैव टू डिसाइड दैट कमोडिटी इट इट्सपेलाइज एंड कैन हैव अ ग्रेटर एडवांटेज कम्पेरेटिवली ग्रेटर एडवांटेज, इट विल फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर कमोडिटी एंड इम्पोर्ट द अदर कमोडिटी फ्रॉम इंडिया अगर हम यू एस और इंडिया की बात करें दोनों में ही अगर वीट एंड क्लॉथ प्रोडक्शन हो रही हैं लेकिन दोनों देश देखेंगे कि वो किस वस्तु के प्रोडक्शन में ज़्यादा एफिशिएंट हैं एक दूसरे के प्रति नहीं अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन में वो किस में उनका तुलनात्मक लाभ अधिक है उसी वस्तु का वो उत्पादन करेंगे एंड ट्रेडिंग करेंगे तो लेट एस कम डाउन टू दी एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस थियोरी विच इज एक्सप्लेन थ्रू दिसोइंग टेबल जब एक देश को दूसरे देश की तुलना में दोनों वस्तुओं के उत्पादन में श्रेष्ठता प्राप्त होती है जैसे कि हम देख पाते हैं अगर देश ए है और देश बी है ए को दोनों वस्तुओं के उत्पादन में श्रेष्ठता प्राप्त है क्योंकि वो श्रम घंटों या श्रम समय के अनुसार में वो कम समय में दोनों वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं व्हेन वी कंपेयर इट विद द कंट्री बी बी में क्या हो रहा है दोनों वस्तुओं के लिए एक्स तथा वाई के लिए उसे श्रम घंटे ज़्यादा लग रहे हैं तो जाहिर सी बात है अगर ए और बी की तुलना करेंगे तो ए ज़्यादा एफिशिएंट है बी कम एफिशिएंट है राइट ऐसे में जब हम एफिशिएंसी को देखते हैं तो ए का एफिशिएंसी यानी कार्य कुशलता अधिक है बी की कार्य कुशलता कंपेरिटिवली तुलनात्मक तो रूप में थोड़ा कम है ए को 12 घंटे लग रहे हैं एक यूनिट ऑफ वीट प्रोड्यूस करने में और बी को 16 घंटे लग रहे हैं एक यूनिट ऑफ वीट प्रोड्यूस करने में कपड़ों के मामले में अगर देखें तो ए 10 घंटों में एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है और बी 12 घंटों में एक यूनिट क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहा है ओके okay? तो इस ये कंपेरेटिव टेबल है इस टेबल से साफ स्पष्ट हो रहा है कि ए ज्यादा एफिशिएंट है और बी कम है आइए अब समझते हैं कि दोनों में ट्रेडिंग कैसे संभव है अगर हम इस टेबल को सिर्फ देखेंगे तो लगेगा कि ट्रेडिंग की जरूरत नहीं ये दोनों ही प्रोड्यूस कर सकता है क्योंकि दोनों में ए को बी से अधिक कुशलता हासिल है लेकिन ऐसा नहीं होता है इसके लिए पहला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग डोमेस्टिक एक्सचेंज रेट को देखेंगे यानी घरेलू विनिमय दरों को स्थापित करेंगे एक्स तथा वाई के लिए कंट्री ए में और फिर कंट्री बी में कंट्री ए में अगर हम देखेंगे तो एक यूनिट एक्स को उत्पादन करने के लिए उसे वाई एक, एक एक्स्ट्रा यूनिट एक्स उत्पादन करने के लिए उसको वाई कितना छोड़ना पड़ेगा वन पॉइंट टू यूनिट्स ऑफ वाई उसे छोड़नी पड़ेगी और अगर वो एडिशनल वन यूनिट ऑफ वाई उत्पादन करता है तो वो पॉइंट एट थ्री एक्स छोड़ रहा है ओके okay? अब कंट्री बी में आते हैं कंट्री बी में हम देखेंगे कि अगर एक अतिरिक्त यूनिट ऑफ एक्स प्रोड्यूस हो रहा है तो वन पॉइंट थ्री थ्री यूनिट ऑफ वाई उसे छोड़ना पड़ रहा है और वन यूनिट ऑफ वाई प्रोड्यूस करने के लिए पॉइंट सेवन फाइव यूनिट ऑफ एक्स उसे छोड़ना पड़ेगा तो अगर हम इस बेसिस पर देखें ओके सो देन वी फाइंड इज दैट ए हैज़ एडवांटेज इन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ एक्स एंड कंपेरेटिव एंड बी विल हैव कंपेरेटिव लेस लॉस इन प्रोडक्शन ऑफ वाई ए अगर एक्स का उत्पादन करता है और बी अगर एक्स का उत्पादन करता है तो किसको ज्यादा लॉस है बी को क्योंकि उसको 1.33 छोड़ना पड़ रहा है वाई का लेकिन एक्स ए को 1.2 पॉइंट टू वाई छोड़ना पड़ रहा है राइट उसी तरह से अगर बी एक्स बनाता है तो उसका लॉस 1.33 पॉइंट थ्री थ्री वाई है वाई बनाता है तो उसका लॉस पॉइंट सेवन फाइव एक्स है तो उसका कंपेरेटिव लॉस किस में है कम है वाई में तो वी अपना लॉस को मिनिमाइज़ करेगा और एक्स अपना एडवांटेज को मैक्सिमाइज करेगा क्योंकि ए तो कंपैरेटिवली दोनों देशों के तुलना में ए कंपैरेटिवली एडवांटेज में है तो वो अपना एडवांटेज देखेगा कि वो किस में उसको ज़्यादा एडवांटेज है उत्पादन तो में अगर वो दो यूनिट ऑफ एक्स बनाता है तो उसको अगर और वो वाई खरीद लेता है तो उसमें उसको फ़ायदा है जब दोनों देश आपस में ट्रेड करेंगे तो कैसे उनको गेंस हो रहा है कैसे लाभ उनको प्राप्त हो रहा है आइए इस बात को आप समझते हैं ए अगर एक्स में स्पेशलाइज करता है और बी वाई में तो उनकी डोमेस्टिक रेशियोज कैसे होंगी एक यूनिट एक्स के लिए वो वन पॉइंट टू यूनिट्स ऑफ वाई देने के लिए तैयार होगा ठीक है और बी वन यूनिट ऑफ वाई के लिए पॉइंट सेवन फाइव एक्स प्राप्त करने के लिए तैयार होगा अब मान लेते हैं कि दोनों ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो ए दो यूनिट ऑफ एक्स प्रोड्यूस करेगा और बी दो यूनिट ऑफ वाई क्योंकि वो आप पूरे के पूरा जो श्रम है दो यूनिट ऑफ श्रम है वो एक ही यूनिट एक ही प्रोडक्ट या एक ही वस्तु प्रोड्यूस करने में लगा देंगे ऐसी स्थिति में एक्स जो ग्रुप कंट्री ए जो पहले एक यूनिट ऑफ एक्स और एक यूनिट ऑफ वाई प्रोड्यूस कर रहा था अब कंट्री ए दो यूनिट ऑफ एक्स प्रोड्यूस करेगा दो यूनिट करेगा यूनिट ऑफ वाई प्रोड्यूस करेगा तो दो यूनिट ऑफ एक्स प्रोड्यूस करके कंट्री ए एक यूनिट ऑफ एक्स को एक्सपोर्ट कर देगा वाई कंट्री बी को ठीक है और एक यूनिट ऑफ जब एक्स को एक्सपोर्ट कर रहा है प्रत्येक एक यूनिट ऑफ एक्स पर वो पॉइंट टू यूनिट्स ऑफ वाई गेन कर रहा है क्योंकि जहाँ पे उसके एक्सचेंज रेशियो थी वन इज टू वन पॉइंट टू डोमेस्टिक रेशियो अभी वो वन इज टू वन के एक्सचेंज में जा रहा है राइट right? तो वन इज टू वन एंड वन इज टू वन पॉइंट टू कौन सा ज़्यादा भारी था तो तो अब अब कम हो तो हो गई है, है, उसको का फायदा रहा ओके? पर आते हैं, B दो unit of y को प्रोड्यूस करेगा एक यूनिट अपने लिए रखेगा डोमेस्टिक कंजन uh, के लिए और एक यूनिट ऑफ वाई वो एक्स वन यूनिट ऑफ एक्स के लिए एक्सचेंज करेगा उसका डोमेस्टिक एक्सचेंज रेट क्या था वन इज टू पॉइंट सेवन फाइव कम था अब वन इज टू वन आ रहा है, उसके पास. तो उसे point का गेन है इस तरह से दोनों जो कंट्रीज हैं वो आपस में जब एक्सचेंज करते हैं तो दोनों को ही फायदा होता है बोथ ऑफ देम विल गेन फ्रॉम ईच अदर डिस्पाइट दिस

लेकिन इसके बावजूद भी इनके काफी सारे सीमाएं हैं और काफी सारी आलोचनाएं की गई हैं आइए इनको एक एक करके देखते हैं फर्स्टली इट हैज बीन अटैक्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट इज बेस्ड ऑन लेबर ऑफ वैल्यू इट कंसिडर्स ओनली लेबर कॉस्ट टू गुड तो इसमें पहला जो दोष पाया गया है वह ये है कि ये श्रम सिद्धांत पर आधारित है और वस्तुओं के विनिमय तथा वस्तुओं के उत्पादन में केवल श्रम लागत को प्रमुख या आधार मान के आ, माना गया है श्रम के अतिरिक्त अन्य साधनों को शामिल नहीं किया गया है लेकिन वास्तविकता में अगर देखेंगे तो श्रम ही उत्पत्ति का अकेला साधन नहीं होता है कई अन्य साधन प्रयोग में लाए जाते हैं जिनकी उतनी ही महत्व होती है जितनी श्रम की होती है सेकेंडली इट कुड नॉट प्रोवाइड अटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई कंपेरेटिव कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग कमोडिटीज इन डिफरेंट कंट्रीज डिफर दूसरी यह बात है कि यह सिद्धांत इस बात को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाई है कि क्यों अलग अलग या विभिन्न देशों में तुलनात्मक तो लागतें भिन्न होती हैं इसने एक जनरल ओवरव्यू ज़रूर दिया है लेकिन कोई मैथमेटिकल मॉडल जिससे स्पष्ट हो सके जिससे नापा जा सके या कोई एक रियल फैक्टर्स के बेसिस पर या मॉनेटरी फैक्टर्स के बेसिस पर एक एक्सप्लेनेशन इस सिद्धांत में नहीं दिया गया है इट्स मिसिंग थर्डली इट इज बेस्ड ऑन कॉन्स्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन टू ट्रेडिंग कंट्रीज दिस अजम्पन लीड टू कंक्लूड दिफरेंट कंट्रीज वु स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ अलडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपेरेटिव कॉस्ट यह सिद्धांत इस बात को मान लेता है कि उत्पादन में समता नियम स्थापित है किंतु यदि हम इस मान्यता को अलग कर दें तो रिकार्डो का सिद्धांत लागू नहीं हो पाता है रिकार्डो का कहना है कि यदि इंग्लैंड तुलनात्मक लाभ लाभ के कारण कपड़े के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है तो उस, उसे शराब का उत्पादन करने का कोई कारण नहीं है उसी प्र प्रकार अगर हम पोर्चुगल को ले लेते हैं जो शराब बनाने में तुलनात्मक लाभ है तो वो कपड़े का उत्पादन नहीं करेगा और वो कपड़ों को इंग्लैंड से आयात करेगा यह विश्लेषण उत्पत्ति समता नियम पर आधारित है जो व्यवहारिक रूप में पाया नहीं जाता है एक ऐसी स्थिति आ सकती है जब पोर्चुगल इंग्लैंड से कपड़े का आयात ना करके इंग्लैंड में उत्पत्ति राश नियम लागू होने से पोर्चुगल को कपड़े का आयात महंगा पड़ सकता है तो इस तरह की जो स्थितियां हैं जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में अलग अलग देशों में उनकी आर्थिक स्थितियों में क्योंकि ये सब भी प्रावैगिक स्थितियाँ होती हैं इट इज नथिंग स्टैटिक अबाउट इट इट्स ऑल अ डायनामिक वर्ल्ड जहाँ परिवर्तन ही आ, बेसिस होता है ट्रेडिंग का हर समय हर चीज़ में परिवर्तन देखा जाता है तो ऐसी स्थितियों में ये सारी बातों को ये सिद्धांत स्पष्ट नहीं कर पाता है और सम उत्पत्ति का समता नियम कॉन्स्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी डज नॉट मैच वेल और डज नॉट डू वेल एज assumption. इट ऑल्सो टेक्स अ स्टैटिक बिहेवियर ये सिद्धांत मान के चलता है कि कोई परिवर्तन संभव नहीं है कोई परिवर्तन नहीं होता है बल्कि आ, सब कुछ स्थिर है लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड एक प्रावैगिक स्थिति होती है इट इज़ अ वेरी डायनामिक एंड देर इज कॉन्स्टेंट चेंजेस आ करेंगे इंटरनेशनली और जहाँ पर हम बात करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की उत्पत्ति के साधनों में कोई भी स्थिरता उसकी पूर्ति में नहीं होती है तकनीक भी बदलती रहती है देशों में और जो प्रोडक्शन फंक्शन उत्पादन फलन होते हैं सभी देशों में उनमें भी परिवर्तन होता है सो देर नॉट बी अ स्टैटिक थियोरी फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एज पर क्रिटिक्स देर हैज़ टू बी डायनामिज्म और इस और विभिन्न तरह के जो परिवर्तन होते हैं इनको भी शामिल किया जाना चाहिए द नेक्स्ट क्रिटिसिजम फैक्ट दैट देर इज लैक ऑफ कंप्लीट स्पेशलाइजेशन विशिष्टीकरण का दर तथा विशिष्टीकरण की का स्तर जानना बहुत जरूरी है जब हम तुलनात्मक लागत या तुलनात्मक लाभ की बात करते हैं सो द रेट ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड द डिग्री ऑफ स्पेशन वेदर स्पेशलाइजेशन इज फुल कंप्लीट और Partial, that has to be specified. And a lot of things depends on this degree of specialization or the rate of specialization when it comes to trading between two countries. This particular factor has also not been explored in this theory. Is dharna kubi? is siddhant ne puritara se, nahi hai, is hai. The next uh, criticism comes to light or it brings to light, light rather that this theory cannot be applied when markets are rigid. Jab Artic Bazar Ya the Arthik uh, Rigidities Yani Kafi J Stirta तो ये सिद्धांत लागू नहीं हो सकता है ये सिद्धांत तभी लागू हो सकता है जब बाज़ारों में लोच हो लेकिन वास्तविकता ये कहती है कि बाज़ारों में संपूर्ण या पूर्ण लोच होना संभव नहीं है अगर पूर्ण लोचशील बाज़ार होगी तो बाजार अनिश्चितताओं से घिरा होगा और ऐसे में ट्रेडिंग बहुत रिस्की हो जाएगा और कोई भी देश इतना बड़ा जोखिम उठाना नहीं चाहिए इसीलिए अल्पकाल के लिए या अल्पकाल में भी इवन फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम वी सी देर टू बी सम समिडिटीज देर टू बी सम लेवल ऑफ स्टेबिलिटी इन द मार्केट कई बार कुछ विषयों में स्टेबिलिटी लाइक एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को भी हम रिजिडिटीज में ही मान के चलते हैं जो स्थिरिकरण होती है विनिमय दरों में बहुत शॉर्ट रन पीरियड में भी उसको भी हम रिजिडिटीज़ ही मानते हैं तो अगर वो वो स्टेबिलिटी नहीं रहेगा तो दो देशों में ट्रेडिंग करना असंभव हो जाएगा और इट विल बिकम वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो रिकार्डन रिकार्डियन थेरी नीड्स हाईली फ्लेक्सिबल मार्केट्स जो वास्तविक रूप में संभव नहीं है या यदि वो संभव होगा तो फिर ट्रेडिंग संभव नहीं होगा इन द लॉन्ग रन इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन वेरी अनरियलिस्टिकफेक्ट कम्पिटिशन एबसेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मोबिलिटी फुल मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स विद इन द कंट्री एंड फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस ये सिद्धांत कई अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है जैसे पूर्ण प्रतियोगिता जो कि शायद ही संभव हो पूर्ण रोजगार जो जिसके लिए हर देश कोशिश जरूर कर रहा है लेकिन वो संभाव्य अभी तक नहीं हो पाया है इट्स नॉट येट अचीव्ड एबसेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन लागतों का भी अवहेलना हुआ है जब हम व्यापार की बात करते हैं मतलब एक जगह से दूसरी जगह वस्तुओं का आना जाना तो उसमें बिना परिवहन के ये संभव नहीं होता है और इस मान और इस मान्यता को लेकर चलना कि परिवहन लागत शून्य है ये भी कुछ अवास्तविक इसलिए है क्योंकि परिवहन जहाँ पे इस्तेमाल होगा तो उसकी लागतें भी होंगी देर वुड बी सम कॉस्ट इंक्लूडेड देर विल बी सम काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसफरिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जहाँ पे दो देशों के बीच का की बात है इंटरनेशनल ट्रेड में तो देर हैज़ टू बी सम ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर्स मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स को जब हम लेते हैं यानी दो देशों के बीच में साधनों की गतिशीलता को मानते हैं तो इस सिद्धांत में ये इसकी अवलेहला की गई है इस सिद्धांत मान के चलता है कि दोनों देशों में साधनों की गतिहीनता है परंतु आज की परिस्थिति जब हम देखते हैं सो देर इज ट्रांसपोर्टेशन और इनपुट्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनादर एंड फ्री ट्रांसफर समटाइम्स तो इस बात को हम पूरी तरह से नहीं मान सकते हैं एक देश के भीतर भी पूर्ण रूप से गतिशीलता नहीं रहती है क्योंकि माइग्रेशन फैक्टर्स काफी काम हो आते हैं और काफी सारी रिजिडिटीज इन माइग्रेशन ऑब्स्ट्रक्शन की तरह हर्डल्स की तरह सामने आती हैं तो इस बात को हम ये नहीं मान के चल सकते हैं कि देश के आंतरिक या देश के अंदर पूर्ण गतिशीलता होए और देश के बाहर गतिहीनता है गतिशीलता दोनों में ही रहती है लेकिन देर विल बी सम ऑब्स्ट्रक्शन फॉर मोबिलिटी मोबिलिटी परफेक्ट मोबिलिटी कहीं भी नहीं होती है ना देश के अंदर ना देश के बाहर और गतिहीनता भी नहीं होती है

नहीं करता है कुछ आलोचकों ने इस बात को बहुत स्पष्ट किया है कि सिद्धांत इस बात की व्याख्या नहीं करता है कि एक देश किसी वस्तु की दूसरी किस्म का उत्पादन कर उसका निर्यात क्यों करता है तथा उस वस्तु की दूसरी किस्म का विदेशों से आयात क्यों करता है जैसे मान लीजिए भारत की कुछ वस्तुओं का निर्यात करता है लोहे का एवं कुछ वस्तुओं का आयात करता है हालांकि कुछ वस्तुएं भारत में खुद उत्पादन भी होती हैं सो देर विल बी डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ द सेम कमोडिटी डिफरेंट क्वालिटीज़ डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस जैसे टी हमारे देश में भी उत्पादन हो रहा है टी का लेकिन कुछ टी हम लोग आयात भी करते हैं और कुछ टीवियों का निर्यात भी करते हैं some televisions are also exported some televisions are imported some televisions are product, produced in the country so why this kind of uh, uh, this particular factor has not been explained in this theory terms of trade koja hapa dekhe dekha the terms of trade kobi bahati आलो, इसकी चर्चा नहीं की गई है इट हैज़ रादर बीन एक्सप्लेन इन नॉर्मेटिव फॉर्म एंड नॉट इन अ पॉजिटिव फॉर्म एंड हेंस इट लैक्स ऑब्जेक्टिविटी व्यापार से लाभ को या व्यापार की शर्तों को इस तरह से चर्चा की गई है कि क्या होना चाहिए किस तरह से होना चाहिए क्या है और किस तरह से इसे या क्या हो रहा है इस पर ज्यादा बल नहीं दिया गया है तो काफी यह सब्जेक्टिव या आप कह सकते हैं व्यक्तिगत रूप से इसको अटेम्प्ट किया गया है इसके अलावा भी कई और कुछ और बातों पर भी इस सिद्धांत की आलोचना की गई है जैसे सिद्धांत में स्वतंत्र व्यापार में बाधाएं इनको इन दशाओं को शामिल नहीं किया गया है यह सिद्धांत कहता है कि केवल उन्हीं दशाओं में ये लागू हो सकता है जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्वतंत्र हो और कोई बाधाएं ना हो लेकिन वास्तविकता ये है कि वर्तमान में अधिकांश देश संरक्षण की नीति अपनाता है तो प्रशुल्क कोटा प्रणाली विनिमय नियंत्रण इत्यादि को अपनाता है सो इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज नाउ डीज दे अडॉप्ट एंड इम्पोज वेरियस रेस्ट्रिक्शंस टू ट्रेड फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ देयर ओन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इवन इफ दीज रेस्ट्रिक्शंस टू ट्रेड आर मिनिमल दे डू हालांकि ये प्रतिबंध या जो भी संरक्षण नीतियाँ होती हैं वो अपने मिनिमम या न्यूनतम स्तर पर होते हैं आज के वर्तमान स्थिति में वैश्विक बाजार की स्थिति में लेकिन फिर भी होते हैं परंतु इस सिद्धांत ने इसका पूरी तरह से खंडन किए करते हुए कहा है कि यह एक मुक्त व्यापार स्थिति है जो कि संभव नहीं है या देखा नहीं जा सकता है वर्तमान स्थिति में सो इट्स नॉट एप्लीकेबल कोई भी देश विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में पूर्ण रूप से विशिष्टीकरण नहीं कर सकता है और ये सिद्धांत पूर्ण विशिष्टीकरण पर जोर देता है ऐसी स्थिति में ये सिद्धांत काफ़ी महत्व भी महत्वहीन हो जाती है नो कंट्री कैन अक्वायर फुल स्पेशलाइजेशन बिकॉज स्पेशलाइजेशन हैज़ अ कनेक्शन टू इनोवेशन स्पेशलाइजेशन हैज़ अ कनेक्शन टू परफेक्शन and we can always attain near to perfection near to specialization but there cannot be 100% specialization because it is always there is there will always be a room for improvement पूर्ण विशिष्टीकरण संभव नहीं होता है छोटा सा छोटा देश भी ये प्रयास करते ही जाता है कि और अच्छा और अच्छा या और विशिष्टीकरण वो किस तरह से कर सकता है तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि कोई भी देश किसी भी उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण हासिल करता है श्रम की कार्य क्षमता में भी विभिन्नता आती है देर आर डिफरेंसेज इन द इफेक्टिवनेस एंड एफिशियंसी ऑफ लेबर ऑल्सो तो जहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि प्रत्येक यूनिट ऑफ लेबर होमोजेनस है समान है या समरूप है ये भी नहीं माना जा सकता है वी कैन नॉट कंसीडर दैट फैक्टर एज़ वेल तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत की काफी आलोचना की गई है लेकिन इसके बावजूद ये सिद्धांत महत्व है महत्वपूर्ण है और इसके काफी सारे प्रयोग भी होते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार की प्रकृति को स्पष्ट करने में ये सिद्धांत ने काफी सारा कार्य किया है यही कार्यन है कि सैम्युल्सन ने दोनों के बावजूद इस सिद्धांत की प्रशंसा की है उनके शब्दों में उन्होंने कहा है कि यदि लड़कियों की भांति सिद्धांत भी सौंदर्य प्रतियोगिता में विजयी हो सके तो तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत उच्च स्थान प्राप्त करेगा क्योंकि इसका सुंदर और तर्कपूर्ण ढांचा है वेरी ब्यूटिफुली अप दैट Despite all its criticisms, comparative cost advantage is still acceptable, has its own significance, and applicable to a certain limit. He describes this theory as a contestant in a beauty competition, where if there is a kind of competition between the theories of international trade, then the comparative cost.

If any of you has any doubts in this theory please contact me on WhatsApp the next theory that we will move on to would be opportunity cost theory of international trade in our next lecture till then take care